सो है गाइस, आज की वीडियो में हम पिछले वीडियो में हमने बात की थी आरबीसी रेड ब्लड सेल एरिथ्रोसाइट्स के ऊपर, और इस वीडियो में हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल यानी ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स आज हम ल्यूकोसाइट्स पे बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले डब्ल्यूबीसी, आरबीसी का तो एक ही सेल था। आरबीसी का जो सेल था, आरबीसी का सेल एक हल्का समरी में दे देता हूँ। आरबीसी का सेल बाई कॉन्केवल था। ओके, इसमें ना माइटोकांड्रिया एबसेंट रहता है। हाँ, मेच्योर आरबीसी में माइटोकांड्रिया एबसेंट रहता है, न्यूक्लियस एबसेंट रहता है, एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एबसेंट रहता है। इसका लाइफ स्पैन है 120 डेज। इसमें हेमोग्लोबिन पाया जाता है, हेमोग्लोबिन जो कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करता है। ओके, ठीक, ये आरबीसी यानी एरेथ्रोसाइट्स के बारे में। ओके, अब इसमें डब्ल्यूबीसी, आरबीसी का एक ही टाइप का सेल होता है। अब डब्ल्यूबीसी के कई टाइप के सेल होते हैं। डब्ल्यूबीसी में कई टाइप के सेल होते हैं। डब्ल्यूबीसी आपका प्रोटेक्टिव सेल, आप कह सकते हैं, आप अपने बॉडी का प्रोटेक्टिव सेल। प्रोटेक्टिव सेल यानी इसका जो मेन काम है वो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म जो हमारे बॉडी का होता है उसमें इसका मेन। तो इसका दो टाइप में इसके कैटेगरी, इसे डब्ल्यूबीसी कई टाइप के होते हैं, तो इसको दो टाइप में कैटेगराइज किया जाता है। एक आता है ग्रैन्यूलर एंड एक आता है नॉन ग्रैन्यूलर। नॉन ग्रैन्यूलर, ओके, नॉन ग्रैन्यूलर को ए ग्रैन्यूलोसाइट भी बोलते हैं। ए ग्रैन्यूलोरो ए ग्रैन साइट्स ए ग्रैन्यूलोरोसाइट्स, गलत बोलना है क्या? ए ग्रैन्यूलोसाइट्स। ओके, तो ग्रैन्यूलर एंड नॉन ग्रैन्यूलर। ओके, तो ग्रैन्यूलर नॉन ग्रैन्यूलर क्या होता है? ग्रैन्यूलर, ओके, ग्रैन्यूलर यानी जो डब्ल्यूबीसी को ग्रेनुलर वाले कैटेगरी में रखा गया है, इसका जो न्यूक्लियस होता है, ओके, इसका जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस CLEUS, इसमें जो न्यूक्लियस होता है यानी ग्रेनुलर डब्ल्यूबीसी में जो न्यूक्लियस होंगे, इसमें जो आपके न्यूक्लियस होंगे ये लोब्स में होंगे, लोब्स में होंगे। और आपका जो साइटोप्लाज्म होता है इसमें एक छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं। ठीक है, इसमें छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं, यानी जो आपको साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स पाए जाएंगे, ग्रैन्यूल्स। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका डब्ल्यूबीसी हो गया। ओके, ये जो आपका न्यूक्लियस होता है ये लोब्स में होता है, ये जो आपका न्यूक्लियस होता है ये लोब्स में होता है। जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म इसमें आपका क्या ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं, ग्रैन्यूल्स। ओके, न्यूक्लियस लोब्स में है। लोब्स मतलब क्या होता है, यानी कई सारे न्यूक्लियस। इसमें एक न्यूक्लियस ये है, एक न्यूक्लियस ये है, एक न्यूक्लियस ये है, यानी अंगूर का जैसे गुच्छा होता है ना, लोब्स मतलब गुच्छा होता है, यानी गुच्छे में इसका न्यूक्लियस पाया जाता है, यानी इस टाइप का कुछ कई सारे न्यूक्लियस होंगे। ओके, एंड साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स होते हैं, यानी यहाँ पे छोटे 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 आपके ग्रैन्यूल्स होंगे पूरे सेल में। ओके, ये आपके ग्रैन्यूल्स हो गए। तो ये जो ग्रैन्यूलर में कैटेगराइज किया गया है, इसके जो सेल होता है कुछ ऐसा होता है, न्यूक्लियस इसका लोब्स में होगा, साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स पाए जाएंगे, इसीलिए इसको ग्रैन्यूलर डब्ल्यूबीसी कहा जाता है। इसमें आपके तीन तीन टाइप के डब्ल्यूबीसी इसमें आते हैं। एक आता है बेसोफिल्स, बेसोफिल्स एक आता है ओसिनोफिल्स, ओसिनोफिल्स, और एक आपका आता है न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। ओके, एंड नॉन ग्रेनुलर, नॉन ग्रेनुलर जो है आपका, ये तो ग्रेनुलर हो गया, आपका नॉन ग्रेनुलर जो होता है, नॉन ग्रेनुलर का सेल जो होता है ये आपका सेल है। इसमें सिंगल न्यूक्लियस होगा, सिंगल इसका साइटोप्लाज्म क्लियर रहता है। इसमें इसमें क्या होगा, सिंगल न्यूक्लियस, सिंगल न्यूक्लियस एंड क्लियर साइटोप्लाज्म, क्लियर साइटोप्लाज्म। इसमें आपका ना न्यूक्लियस, सिंग एक न्यूक्लियस होता है, इसमें लोब्स में न्यूक्लियस होते हैं, इसमें इसका साइटोप्लाज्म क्लियर रहता है, इसमें साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, इसलिए नॉन ग्रेन्यूलर, इसको ए ग्रेन्यूलर भी बोलते हैं, इसको ग्रेन्यूलर। ओके, सो नॉन ग्रेन्यूलर में आपका आता है लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, ओके, एंड
एंड ये आपका आता है लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स ओके। अब इन सब के फंक्शंस क्या होते हैं ओके तो सबसे पहले आपका बेसोफिल्स का फंक्शन होता है, बेसोफिल्स आपका जो है ये इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन इन्फ्लामेशन क्या होता है ओके आपके स्किन पे कहीं अगर आप देखते हैं कि कीड़ा चल जाता है तो ये आपका स्किन है, मान लीजिए आपका स्किन हो गया, अगर आपके स्किन पे कहीं कीड़ा अगर रेंग जाता है, चाहे कुछ काट लेता है, चींटी काट लेती है, चाहे कुछ और काट लेती है, तो वहाँ पे लाल लाल आपका स्किन हल्का सा फूल जाता है, तो वो होता है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन हल्का सा जलन टाइप की फीलिंग आती है, तो ये इन्फ्लेमेशन जो होता है यही आपका जो बेसोफिल्स जो बेसोफिल्स सेल है ये आपका इन्फ्लेमेशन करता है। ये भी एक आपका प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, ये जो इन्फ्लेमेशन है ये प्रोटेक्शन होता है, वो जो स्किन है वहाँ पे इन्फेक्शन ना फैलने पाए इसलिए इन्फ्लेमेशन हो जाता है वहाँ पे। और इसके लिए जो केमिकल ये बेसोफिल्स रिलीज करता है उस केमिकल को कहते हैं हिस्टामिन, हिस्टामिन ओके। सो बेसोफिल्स इन्फ्लेमेशन एंड इसिनोफिल्स जो है आपका दोस्तों ये आपका करता है सेक्रेट्स, सेक्रेट्स एंटीटॉक्सिन्स, एंटीटॉक्सिन्स ओके। तो हमारे बॉडी में जो जर्म्स आते हैं वो जर्म्स कुछ टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, उस टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करने के लिए, टॉक्सिन के इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए जो इसिनोफिल्स हमारा एंटीटॉक्सिन रिलीज करता है, जो उस जर्म्स के इन्फेक्शन को या तो खत्म कर देगा या तो उसको न्यूट्रल कर देगा, कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा हमारे बॉडी पर ओके। दोस्तों इसके बाद आपका आता है न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स का काम होता है एंगल्फ, एंगल्फ ऑफ बैक्टीरिया, इसको एक टर्म दिया गया है फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस ओके। सो इसका वो बेसिनोफिल्स को हो गया इन्फ्लेमेशन, ये कौन सा केमिकल रिलीज करता है बेसिनोफिल इन्फ्लेमेशन होने के लिए, हिस्टामिन। और एजिनोफिल्स आपका हो गया सेक्रेट एंटीटॉक्सिन्स, जो कि जर्म्स आपके टॉक्सिन सेक्रेट करते हैं उसको न्यूट्रल करने के लिए या फिर उसको खत्म करने के लिए आपके एसिनोफिल्स एंडीटॉक्सिन सेक्रेट करते हैं ओके। फिर आपका आता है न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स क्या करता है फैगोसाइटोसिस, आपका जो बैक्टीरिया रहता है उसको खा जाता है, एंगल्फिंग ऑफ बैक्टीरिया ओके, उसको कहते हैं फेगोसाइटोसिस। इसमें जो आपका नॉन ग्रेनुलर WBC आपका जिसको ए ग्रेनुलोसाइट्स भी कहते हैं, आपका लिम्फोसाइट्स, ये लिम्फोसाइट्स आपका क्या करता है प्रोड्यूस प्रोड्यूसेस प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज ओके, ये एंटीबॉडीज बनाता है ओके। ये एंटीटॉक्सिन बनाता है कौन, इसिनोफिल से ये एंटीबॉडीज बनाता है ओके। अब मोनोसाइट जो होते हैं आपके ये होते हैं इंजेस्ट, ये इनका फंक्शन होता है इंजेस्ट जर्म्स ओके। सो बेसिनोफिल्स का हो गया इन्फ्लेमेशन ओके, फिर ये इसिनोफिल्स का हो गया सेक्रेट एंटीटॉक्सिन, न्यूट्रोफिल्स एंगल्फिंग ऑफ बैक्टीरिया, फैगोसाइटोसिस आप याद रखिए, एंगल्फिंग ऑफ बैक्टीरिया नहीं पूछता, फैगोसाइटोसिस ज्यादा पूछता ओके। फिर आपका लिम्फोसाइट्स का हो गया प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज, अब मोनोसाइट्स का हो गया इंजेस्ट जर्म्स ओके। और ये इनका ओरिजिन कहाँ पे होता है, ये सब कहाँ पे बनते हैं ओके। सो ये सब जो सारे हैं लगभग ये बनते हैं आपके बोन मैरो में, बोन मैरो, बोन मैरो, ये भी बोन मैरो, ये भी बोन मैरो, बस ये जो आपका लिम्फोसाइट्स है ये आपके बोन मैरो में भी बनता है, बोन मैरो वाला रूट, बोन मैरो लीवर एंड स्प्लीन, ये छोटे बच्चों में लीवर या स्प्लीन में बनता है और एडल्ट में बोन मैरो में बनता है ओके। अमोनोसाइट फिर से आपका बोन मैरो में, बोन मैरो ओके। तो सबको सब लगभग WBC का अगर आप पूछा जाएगा WBC का ओरिजिन क्या है तो बोन मैरो ही बताएंगे ओके। ओरिजिन WBC का, WBC का ओरिजिन अगर पूछा जाए ओरिजिन तो क्या होगा, ये होगा बोन मैरो। एंड इसका अगर लाइफ स्पैन पूछा जाए, लाइफ मतलब कितने दिन ये जिंदा रहता है, तो ये रहता है टू 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 यानी 2 से 3 वीक ये जिंदा रहता है, अबाउट 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 2 वीक्स ओके। आरबीसी का कितना था 120 डेज ओके। तो ये ओरिजिन इसका क्या है, ओरिजिन इसका है बोन मैरो, और ये अबाउट 2 वीक्स ये इसका लाइफ स्पैन हो गया। तो इसके बाद दोस्तों आता है कि ये जो हमारा फैगोसाइटोसिस है ये क्या है ठीक। फिर एक आपका टर्म आता है डाइपेडेसिस, डाइपेडेसिस ओके, ये क्या है, ये फैगोसाइटोसिस और डाइपेडेसिस पे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो इसको आइए मैं समझाता हूँ।
ये फैगोसाइटोसिस क्या है एंड डाइपेटेसिस क्या है। ओके सो हम बात करेंगे आपका फैगोसाइटोसिस पे, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस मीन्स क्या होता है? एंगल्फ ऑफ एंगल्फिंग एंगल्फिंग बैक्टीरिया। ओके तो फैगोसाइटोसिस जानने से पहले आपको डाइपेटेसिस समझना पड़ेगा, दोनों रिलेटेड है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन आता है, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डाइपेडिसिस, डाइपेडिसिस। ओके तो ये डाइपेडिसिस क्या होता है? ये आपका ब्लड वेसल है। ओके ब्लड वेसल के अंदर आपका आरबीसी है, सॉरी ब्लड वेसल के अंदर आपका आरबीसी है, ये बाइकॉनकेवल शेप, ठीक। आपका डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी का शेप अगर पूछेगा, शेप ऑफ WBC तो क्या होगा? एमेबॉइडल, एमीबा, एमीबा जैसे होता है, एमीबॉइडल। ओके एमीबा, एमीबा के जैसे शेप, अमीबा के शेप की जैसा। ओके सो WBC का एमेबॉइडल होता है, RBC का बाइकन के यहाँ पे न्यूक्लियस हो गया और सारी चीजें हो गई। ओके तो हमको WBC, अब मान लीजिए यहाँ पे आपका जर्म्स है, ब्लड वेसल्स के बाहर आपके जर्म्स है, ठीक है आपका जर्म्स है। ओके और ये बाइकन के क्या है? आपका RBC है, और ये एमीबॉइडल क्या है? WBC है। ओके तो अगर आपका ये ब्लड वेसल है, इसमें आपका ब्लड फ्लो हो रहा है, ओके और ये बाहर आपका क्या है? बाहर आपके जर्म्स है, तो ये जो WBC है, ये आपके ये ब्लड वेसल में से स्क्वीज करके, ब्लड वेसल में से निकल के आपको आके ये जो है पूरा जर्म्स को ये खत्म कर देता है। तो डाइपेडेसिस का अगर आपका डिफिनेशन पूछेगा, डाइपेडेसिस, डाइपेडेसिस तो क्या होगा? स्क्वीजिंग ऑफ, स्क्वीजिंग, स्क्वीजिंग ऑफ WBC, स्क्वीजिंग आउट ऑफ, स्क्वीजिंग आउट ऑफ WBC फ्रॉम द ब्लड वेसल इज कॉल्ड डाइपेडेसिस। ओके डाइपेडेसिस, ये जो स्क्वीज करके WBC ब्लड वेसल के बाहर निकलता है, मतलब टारगेट पे पहुंचने के लिए, यानी जर्म्स के पास पहुंचने के लिए, इसको कहते हैं डाइपेडेसिस। और फैगोसाइटोसिस क्या होता है? फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस यही जब WBC या जाके आपको जर्म्स को खा जाएगा तो उसको कहेंगे फैगोसाइटोसिस, यानी एनगल्फिंग, एनगल्फिंग बैक्टीरिया। ओके तो डाइपेडेसिस क्या है? स्क्वीजिंग आउट ऑफ द WBC फ्रॉम द ब्लड, यानी जो ये बाहर निकल के आता है, स्क्वीज करके ब्लड वेसल के बाहर निकल पे टारगेट पे पहुंचता है, तो ये स्क्वीज करके जो ब्लड वेसल से बाहर निकलता है इसको कहते हैं डाइपेडेसिस, और जो एनगल्फ करता है, यानी जो जर्म्स के आपको खा जाता है, इसको कहते हैं फैगोसाइटोसिस। ओके तो एक इन्फ्लेमेशन आपका है, ये इन्फ्लेमेशन हिस्टामिन से होता है, प्रोटेक्शन, ये सब। अगर अगर आपको पूछता है कि फैगोसाइटोसिस का क्यों होता है बॉडी में, तो इसको आप डिफेंस मैकेनिज्म कह सकते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी, यानी ये डाइपेडेसिस, फैगोसाइटोसिस, इन्फ्लेमेशन, ये जो तीनों है आपका, ये आपका डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी होता है, यानी जो WBC होता है उसका मेन काम प्रोटेक्शन ऑफ, प्रोटेक्शन ही होता है। तो इसमें ये सब तीनों आपके आ जाते हैं, डाइपेडेसिस आ जाता है, फैगोसाइटोसिस आता है, इन्फ्लेमेशन है। तो सबसे पहले आपका दो टाइप के WBC को कैटेगराइज किया, ग्रेनुलर एक, ए ग्रेनुलर या नॉन ग्रेनुलर। ओके सो ग्रेनुलर में आपके तीन आते हैं, बेसोफिल्स, इसका फंक्शन होता है इन्फ्लेमेशन, और ये कहाँ से ओरिजिन इसका क्या है? बोन मैरो। ओके इसिनोफिल्स सिक्रिट एंटीटॉक्सिन, बोन मैरो। न्यूट्रोफिल्स एंगल्फिंग बैक्टीरिया, फैगोसाइटोसिस, बोन मैरो। ओके फिर नॉन ग्रेनुलर में आपका आएगा लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, ये बोन मैरो छोटे बच्चों में लीवर या स्प्लीन में बनता है। मोनोसाइट्स आपका इंजेस्ट जर्म्स, ओके ये आपके, ये भी आपके बोन मैरो बनते हैं। ओके फिर डाइपेटेसिस क्या होता है? स्क्वीजिंग ऑफ, स्क्वीजिंग, स्क्वीजिंग ऑफ WBC आउट फ्रॉम द ब्लड वेसल ऑन द टू द टुवर्ड्स द जर्म्स। ओके यानी ये जो WBC आपका है, ब्लड वेसल से बाहर निकलने की इस प्रोसेस को ही डाइपेटेसिस कहते हैं, और ये जो बैक्टीरिया को एंगल्फ कर लेगा इसको कहते हैं फैगोसाइटोसिस। तो ये आपका अगर फैगोसाइटोसिस, डाइपेटेसिस या इन्फ्लामेशन का अगर आपको क्यों होता है, रीजन पूछता है, मतलब किस क्यों ये होता है बॉडी में, तो उसको डिफेंस मैकेनिज्म कह सकते हो। ओके
दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में हम क्लॉटिंग, प्लेटलेट्स यानी प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन क्या आता है? ब्लड क्लॉटिंग। तो प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन होता है ब्लड क्लॉटिंग। तो आगे आने वाले वीडियो में हम प्लेटलेट्स और ब्लड कैसे क्लॉट होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।